तो हम बात कर रहे थे रिक्स की, तो रिक्स के तहत हमने देखा कि भाई रिक्स ने किन किन किस किस तरीके से बात करी है। उसने कहीं ना कहीं अपनी एक पुस्तक में इसका जिक्र किया था, जिसमें उसने प्रशासन और उसके परिवेश के बीच के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश की थी। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि भाई रिक्स ने पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम की सहायता से उसने कहीं ना कहीं पारिस्थितिक सिद्धांत को समझने की चेष्टा की। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम को सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो के द्वारा 1955 में प्रयोग में लाया गया था। हमने देखा कि भाई रिक्स ने बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई करे थे पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के संदर्भ में। तो इसी दिशा में विकासशील समाजों के प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ग्लोबल व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो मुख्यतः तीन हैं। कहने का मतलब यह है कि जब उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए, उसने बहुत सारे नमूने इकट्ठे किए, उन नमूनों को इकट्ठा करने के आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुँचा कि सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं, यानी किसी भी समाज में किसी भी व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो तीन हैं। उन तीन आदर्श प्रारूपों की वो बात करता है। तो ये तीन नमूने कौन कौन से हैं? तो पहले नमूने के आधार पर ये कार्यात्मक समाज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अल्प कार्यात्मक समाज, दूसरा जो आदर्श नमूना है कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं का, वो दूसरा आदर्श नमूना क्या है? अल्प कार्यात्मक समाज है। और तीसरा संपर्शीय समाज प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ये बात करता है। रिक्स के अनुसार अल्प कार्यात्मक समाज का ये कहते हैं कि यह समाज औपचारिक रूपों से अनेक संघों में बटा हुआ होता है। अब औपचारिक रूप से अनेक संघों में बटा होने का मतलब क्या है? जहां पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वहां पर हम एक से अधिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और उन स्ट्रक्चर को किस तरीके से शेड्यूल किया गया है? औपचारिक तरीके से। औपचारिक का मतलब कि लीगली तरीके से, कानून के तहत। अनौपचारिक का मतलब यह है कि भाई ऐसे अनऑरली, ये मतलब जैसे औपचारिक और अनौपचारिक की हम बात करते हैं तो औपचारिक में वो चीजें आएंगी जो कानून के दायरे में होंगी, जिनका लेखा जोखा होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से चलेंगी, है ना, एक नियम कायदे कानून से। तो यह समाज औपचारिक रूप से अनेक संघों में बटा होता है। सिंपल सी बात है कि अनेक संघ होंगे तो संघों को अलग अलग पावर भी दी गई होगी, उनके अलग अलग कामकाज होंगे। और कामकाज की बात अगर की गई तो सिंपल सी बात है कि भाई कहीं ना औपचारिक तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है। पहले पे हमने देखा कि अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, लेकिन जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनको अलग अलग तरीके से काम दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक जो संरचना है, स्ट्रक्चर का मतलब जो एक अलग अलग जो संरचना है वो संरचना अलग अलग काम को करती है। किसी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के ये काम दिए जाएंगे, किसी को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ खेल विभाग ही दिया जाएगा। इस तरीके के अलग अलग तरीके से इनको काम बांटे जाते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव कब पड़ती है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ती है। इसी तरीके का कंसेप्ट है ये भी, इसको अगर आप समझे इंटरलिंकेज करके। मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव का मतलब ये था, उससे पहले भारत में जो कामकाज होते थे सारे काम एक साथ सारे मंत्री करते थे, उन पर डिबेट करते थे आपस में। अगर एजुकेशन का काम होगा तो सारे मंत्री आएंगे, उस पर डिबेट होगी, इस तरीके से बात होती थी। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि भाई विभागों को बंटवारा किया गया और बोला गया कि एक विभाग के लिए एक ही मंत्री होगा। उससे काम करने में क्या हो रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा जटिलताएं पैदा हो रही थी, सारे लोग आ रहे थे, सबका कहीं ना कहीं जो समय है वो वेस्ट जा रहा था। और उतने लोग, सिंपल सी बात है कि एक चीज़ पे काम करके क्या क्या करेंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस कहीं ना कहीं 1841 में भारत जो परिषद अधिनियम है उसके तहत मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे भी आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है, तो इसी तरीके का कंसेप्ट है कि भाई किसी प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग तरीके से काम सौंपे गए हैं। इन समाजों में खुली संरचना होती है जिसमें राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो, इसमें खुली संरचना होती है। खुली संरचना और बंद संरचना का हम नॉर्मली जिक्र करते हैं, तो खुली संरचना के तहत ये कि पूरी लिबर्टी होती है, जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है, जो थिंक टैंक होता है, उसको अपने डिसीजन लेने के लिए उनको पूरी तरीके से क्या होती है, अथॉरिटी होती है। लेकिन जहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो बंद संरचना होती है वहाँ पे इस तरीके का रूल्स या उस तरीके की लिबर्टी उनको नहीं दी जाती है कि वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी तरीके से करें। यहाँ पे कुल मिलाकर के ये समाज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विकसित समाज है, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कि डिसीजन मेकिंग ये खुद कर रहे हैं। जो राजनेता है वो राजनीतिक निर्णय इस समाज में खुद लेते हैं, वहीं प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो प्रशासनिक निर्णय खुद लेते हैं।
आप देख रहे हैं कि काफी हद तक काफी एडवांस है। अगर हम पहले बहुकार्यात्मक समाज की अगर बात करें तो उससे ज्यादा काफी ज्यादा विकसित अवस्था में हम इस सब सोसाइटी को देख सकते हैं। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं एफडब्ल्यू रिक्स करते हुए प्रतीत होते हैं। ये कहते हैं कि इसमें सरकार लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होती है तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। सिंपल सी बात है कि मॉडर्न जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है 16th सेंचुरी में जो हमारा पैदा हुआ है आधुनिक राजराजों का, उसका एक मूल एजेंडा यह है कि भाई लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करना, उनका लोक कल्याणकारी प्रवेश में कहीं ना कहीं उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में देखने को मिलता है कि ये क्या करता है कि सरकार लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो नीड्स की जो चीजें हैं को क्या करती है, उनकी भरपाई करती है, वो उनको मुहैया कराती है, साथ ही साथ मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स की जो समस्याएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रमोट करती है या उन चीजों को भी देखती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस सोसाइटी में जो नागरिक हैं या जो समाज है वो काफी ज्यादा रिलैक्स अवस्था में आप देख सकते हैं और हर तरीके की जो फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो दूसरा समाज हमारा ये हो गया।